आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। सर्प देवता या सर्पा भी इनको कहते हैं। ये वो अवतार हैं जो कि विष्णु के जो सेवक हैं और जो शिव के सेवक हैं, दोनों इनकी पूजा करते हैं। हालांकि दोनों में मतांतर है। जो शैविक स्क्रिप्चर्स हैं उनके हिसाब से ये शिव के वो अवतार हैं जो नरसिंह को शांत करने के लिए अवतरित हुए थे। ऐसा ही कहानी है कि जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया तो वो इतने उग्र हो गए कि उनकी उग्रता का असर जो है पूरे ब्रह्मांड पे पड़ने लगा और विष्णु भगवान शांत नहीं हो रहे थे। तो उनको शांत करने के लिए, उनका वध करने के लिए महादेव ने सर्प देवता का भेष धरा था या फिर अवतार लिया था। इसमें फिर बहुत मतांतर है। जो वैष्णव हैं वो कहते हैं कि नहीं, फिर साबर देवता का वध जो है विष्णु भगवान ने एक चिड़िया बन के किया था, मतलब एक चिड़िया और एक जानवर का मिला जुला रूप था, उससे फिर उन्होंने सर्प देवता का अंत किया था। तो खैर ये तो मतलब एक क्या बोले कि एक लड़ाई है विष्णु और शिव पंथियों में, लेकिन इसी का एक अच्छा वर्जन भी विष्णु के जो साधक हैं वो बताते हैं कि जब नरसिंह अवतार हुआ और विष्णु जी ने जब प्रहलाद को बचाया तो उनको ये लगने लगा कि इसी अवतार में वो हमेशा रहें और दुनिया का भला करें। लेकिन विष्णु को विष्णु रूप के में आना जरूरी था क्योंकि वो पालनहार है, ठीक है। तो उसी कारण शिव ने सर्वा अवतार लिया और जब लड़ाई हुई तो विष्णु जी ने सर्वा पर अपने पंजे से प्रहार किया। प्रहार करते ही विष्णु जी को अपने हाथ में ही चोट लगा और वो पीड़ा से कराहने लगे। तब उनको याद आया कि सामने जो अवतार हैं वो शिव के हैं और वो विष्णु हैं और उनका मुख्य काम जो है विष्णु का है। तो वो विष्णु जी अपने वैकुंठ लोक वापस चले गए। तो कुछ जगह आप देखोगे जहाँ पे कट्टर शिवपंथी हैं वो विष्णु को इनके पैर के नीचे दिखाते हैं और कुछ जगह पर आप देखोगे कि विष्णु जी इनके हथेली में हैं। तो मुख्य रूप से शत्रु, दुष्ट शत्रु विनाश के लिए इनके मंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या विधान रहेगा देखो, इसमें एक यंत्र बनता है, अगर खुद बना लो तो ठीक है, नहीं तो मुझसे बनवा लेना। उसमें एक आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और टोटल उसमें 16 खाने बनाएंगे, ठीक है। और 16 खाने बना करके उसका नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि तब ये पूर्ण तांत्रिक यंत्र हो जाएगा, लेकिन हर खाने में आप राम ह्रीम लिखेंगे, राम और ह्रीम लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इसको आप रख लीजिए, इसको धूप दीप नवेद दिखाइए इस यंत्र को। 7 दिन इसकी आप पूजा करेंगे। जब आप पूजा करने बैठेंगे रात्रि के समय में तो सबसे पहले हृदय में ध्यान करेंगे। किनका किनका ध्यान करेंगे? काली का ध्यान करेंगे, दुर्गा का ध्यान करेंगे और क्या कहते हैं सर्वा देवता का ध्यान करेंगे। तीनों का ध्यान करने के बाद मस्तक पर भैरव महाराज का ध्यान करेंगे, ठीक है। तो हृदय में पहले दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र बोल लेना 7 बार, ओम क्रीम कालिकाय स्वाहा ये मंत्र बोल लेना 7 बार। उसके बाद फिर जब सर्प देवता का ध्यान करोगे तो राम ह्रीम का जाप कर लेना 7 बार और अंत में मस्तक पर भैरव जी का जाप करना 11 बार ब्रह्म बोल के, ब्रह्म, ठीक है। इतना करने के बाद आप मूल साधना पे आ जाओगे और इनके मंत्र का 5 माला जाप करोगे 7 रातों तक, ठीक है। ये यंत्र सिद्ध करने के लिए है। तो क्या मंत्र है? ओम खेम खाम खम,
फट प्राण गृहासी, प्राण गृहासी, हुम फट सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व साकुव पक्षी राजाय, हुम फट स्वाहा। एक बार फिर से मंत्र सुनिए। ओम खेम खाम खम फट प्राण गृहासी, प्राण गृहासी, हुम फट सर्व शत्रु संहारणाय, सर्वासा कुव पक्षी राजाय, हुम फट स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र को करने से पहले, इसकी साधना करने से पहले आप इस मंत्र को कंठस्थ कर ले। बिना कंठस्थ किए इस मंत्र को नहीं करेंगे। अच्छा, दो विषय और। एक तो सर्वोत्तम रहता है कि आप भोजपत्र पर, ठीक है, लाल रोली से इसका मंत्र बना करके, और उसके बाद सोने के जो लॉकेट होते हैं उसमें उसको पहने। जो नहीं कर सकते हैं वो कोई भी पीली धातु का लॉकेट बनाएंगे, मतलब पीतल हो, कांसा हो, कुछ भी हो। चांदी है तो उस पर गोल्ड पॉलिश करा लिया, लेकिन सुनहरा इसका जो लॉकेट है वो होना चाहिए। दूसरा, अल्प हितकारी होता है अगर कागज और लाल कलम से आप बनाए, लेकिन वो भी अपना प्रभाव कहीं ना कहीं छोड़ेगा। एक बार यंत्र बनने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका व्यापारिक दुश्मन है, तो इस यंत्र को फ्रेम करा करके और ऐसे रखेंगे कि किसी को दिखाई ना दे। ठीक है, यंत्र को ताबीज में डाल दिया और अपने डेस्क के अंदर रख लिया, या फिर कहीं भी ऐसे जगह छुपाया जो लोगों की नजर पे ना पड़े। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यक्तिगत दुश्मनी ज्यादा है, तो फिर आप इस यंत्र को आप अपने बाएं हाथ में धारण करेंगे। ठीक है, धारण करने का सर्वोत्तम दिन रहता है सोमवार को, क्योंकि महादेव का है। ठीक है, माला प्रयोग होगा रुद्राक्ष का, आसन प्रयोग होगा कमल का। ठीक है, और वस्त्र आप किसी भी रंग का पहन सकते हैं। रात्रि में अगर आप साधना करते हैं तो आपका दिशा जो है वो नॉर्थ होगा। ठीक है, स्नान करना साधना के पहले अनिवार्य नहीं है, और जब आप ये साधना संपन्न कर लेते हैं तो आपको सिर्फ लौंग से दशांश हवन करना होगा, और ये हवन एक दिन में पूर्ण होना चाहिए। जब तक आप ये पूरा विधान पूरा करते हैं, तब तक वो यंत्र अपने स्थान से नहीं हिलना चाहिए। उस स्थान पर आपके अलावा कोई और पूजा न करे, इसका ध्यान रखें। और जब आप इस यंत्र को उठाएंगे, ठीक है, जहां भी आपने रखा हो, कपड़े पे रखा हो, बरजोत पे रखा हो, चौकी पे रखा हो, तो उसका पुनः प्रयोग ना हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिस जगह पे आपने, जिस भी कपड़े पे या फिर बरजोट जिस पे भी आपने रखा है, तो उसका पुनः प्रयोग ना हो, इसका आपको ध्यान देना है। सरल है, एक बार आपने धारण कर लिया तो रोज सिर्फ ओम खेम खाम खम फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार। ठीक है, तो इससे जो भी शत्रु है, जैसे भी शत्रु हैं, सबका विनाश हो जाएगा। ये मंत्र क्योंकि विरोधाभास है वैष्णव और शैविक में इन देवता को लेकर के, तो बहुत ज्यादा इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इस यंत्र को बना के मैंने कुछ लोगों को दिया है। इसका जो हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो थोड़ा अलग है, क्योंकि वो गृहस्थ प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन इससे ज्यादा वो पावरफुल प्रक्रिया होती है। तो आज तक जिससे भी हमने, जिसको भी ये यंत्र दिया है, तो वो खुश है, वो शत्रुओं से जो परेशान था वो शत्रु से मुक्त हो गया है। तो आप लोग भी इसका प्रयोग करें और शत्रु से मुक्त हो जाएं। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो 9431182585 नंबर पर मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें आसन बंधन और हमारे गुरु परिवार में आने से पहले आपको जो भी साधना जाननी होती है वो हम सिखा देते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, ऐप स्टोर और गूगल स्टोर पे, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें रुद्रनाथ@4 सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। डायरेक्ट बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz या aghortantrahasya.com। बहुत इमरजेंसी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। भगवान आप लोगों की रक्षा करें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश।